श्रमजीवी केस कलाकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। सैलून व्यवसायी की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन की वजह से खराब हो गया। सैलून की साप्ताहिक बंदी सोमवार को है, लेकिन रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं और धार्मिक दृष्टि से सभी लोग परिवार को ही बाल दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून की दुकान पर जाते हैं। ऐसे में बाल दाढ़ी लोगों की आवश्यकता बन गई है। राम आशीष ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद दाढ़ी बाल बनवाना लोगों की एक आवश्यकता बन गई है। लोग अपने बच्चों को, नौजवान, युवा, बुजुर्ग इत्यादि तरह से लोग आते हैं, अपने बाल दाढ़ी बनवाते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी दुकानें बंद हो गईं और हमारा परिवार चलना अति दुख में हो गया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे संदर्भ में नहीं सोचा गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? भूखमरी के कागार पर आ जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। जी, आपका परिचय? मैं राम आशीष ठाकुर। आज कहाँ आए हुए हैं आप? मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आया था पत्रक देने नाई समाज की तरफ से। और नाई समाज इस समय जो है लॉकडाउन की वजह से हफ्ते में हर दिन तो खुल रहे हैं, सारे बाजार खुल रहे हैं सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक, लेकिन साप्ताहिकी बंदी में सैलून वालों का होता है सोमवार, जो कि पिछले साल लॉकडाउन में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निकला था, जिसको जिस दिन बंदी हो उस दिन बंद करें और बाकी दिन अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो हम लोग इसी विषय में आए थे आज पत्रक देने, जिलाधिकारी महोदय के नहीं रहने की वजह से, बाहर रहने की वजह से। आप जिसको चार्ज देकर गए हैं, उस चार्ज जिसको दिया जी आपने, उनसे मैंने मिला और मिल करके पत्रक को सौंपा, आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक साहब बाहर हैं। साहब बाहर आएंगे तो विचार इस पर होगा। मेरा कहना है कि नाई समाज जो भुखमरी के कगार पर है, जीता हुआ जागता उदाहरण है। नसीम भाई हमारे सामने खड़े हैं, जो कि पैरों से विकलांग, पूरा पैरों से विकलांग रहने के बावजूद भी अपने परिवार का ये घर चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। जैसे हमारे बीच में प्रमोद जी हैं, उनका दुकान गोलगड्ढे पर है, जो कि अक्सर जो है इनको परेशान किया जाता है, खोलने नहीं दिया जाता है, बंद करने दिया जाता है। ये हमारे भाई साहब लड़तारा से आए हुए हैं, जो कि इनको भी यही परेशानी है कि दुकान खुलती नहीं है, तो परिवार जो भरण पोषण के लिए भूखों मर रहा है परिवार। एक रविवार का दिन अगर मिल जाता है नाई समाज को, और नाई समाज के अलावा जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग दूसरे धंधे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी हर दिन दुकान को खोलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और रविवार के दिन उनकी दुकान बंद रहती है, तो अपने बच्चों को लेकर, अपने लड़कों को लेकर, अपने स्वयं आ करके बाल दाढ़ी का काम कराने काम सैलून में करते हैं। इसलिए दो पैसा बाल दाढ़ी बनाने वालों को मिल जाता है, अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करता है। और इसी संदर्भ में मैं मिलने आया था, और मैं प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा अपने नाई समाज की तरफ से और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि रविवार को नाई समाज को छूट दिया जाए सैलून खोलने के लिए, उसके एवज में सोमवार को बंदी हम लोग करेंगे अपने स्वेच्छा से। आप चाहे जब भी कहेंगे, जिस दिन कहेंगे बंद कर दें, केवल रविवार को नाई समाज को मिलना चाहिए। ये मैं जिलाधिकारी महोदय से अपील करता हूँ।